हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। हमने पिछले 2-3 वीडियो में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, उसकी यूनिट, उसकी डिफिनीशन सबको पढ़ लिया है। आज का हमारा वीडियो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का है। हम इसका डिफिनीशन देख रहे हैं। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन मे बी डिफाइंड एज व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ थ्री रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड डिफिनेशन हो जाएगा, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय द चेंज इन कंसंट्रेशन थ्री रिएक्टेंट आर कॉल्ड एज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। डेरिवेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, लेट अस कंसीडर अ जनरल रिएक्शन। हमने एक जनरल रिएक्शन मान लिया है, ए प्लस बी प्लस सी टेंस टू प्रोडक्ट। इनिशियल टाइम टी बराबर जीरो पे ए ए ए और प्रोडक्ट इसका ज़ीरो हो रहा है, और किसी समय टी बराबर टी पे हम देख रहे हैं तो ए माइनस एक्स और ए माइनस एक्स पे हमारा प्रोडक्ट ए माइनस एक्स का क्यूब बन रहा है। द रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन डी एक्स अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स क्यूब। तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा के ए क्यूब के ए बी सी। डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स का होल क्यूब। डी एक्स अपॉन डी टी ए माइनस एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू के, तो हो जाएगा डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू के डी टी आफ्टर इंटीग्रेशन अबव इक्वेशन फर्स्ट। हम ऊपर का दिए हुए इक्वेशन को इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो हमारा इंटीग्रेशन का हम चिन्ह लगा देंगे और आएगा हमारा 1/2 ए माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू के टी प्लस सी, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स का क्यूब, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 ए माइनस एक्स का होल क्यूब, और यहाँ के कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, और डी टी है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टी हो जाएगा, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी लगेगा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। इफ़ टी बराबर 0 एक्स बराबर 0 द इक्वेशन बिकम्स 1/ ए माइनस 0 का होल क्यूब होल स्क्वायर होगा इज इक्वल टू के इंटू जीरो प्लस सी। सी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। जैसा कि हम सी का जो वैल्यू आया है उसको हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, हम इक्वेशन नंबर 2 देख रहे हैं ना उसमें रख देंगे, तो आएगा हमारा के टी इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, के टी इज इक्वल टू 1/2 व इंटू 1/ ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/ ए स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा आएगा के टी इज इक्वल टू 1/2 टी इंटू 2 ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। द एबव इक्वेशन 4 इज द इंटीग्रेशन फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का। इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसका यूनिट निकालेंगे। यूनिट निकालने के लिए हमें पता है कि टी टाइम होता है, तो टी के बदले टाइम रखेंगे सेकेंड, और एक्स मोल पर लीटर रखेंगे और ए का मोल पर लीटर रखेंगे। देखिए हमने सॉल्व किया है, सब सॉल्व करने के बाद हमारा आया है के इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स मोल के पावर माइनस 2 लीटर के पावर माइनस 2। इसका हाफ लाइफ पीरियड देखेंगे, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन बिलो।
तो हाफ लाइफ पीरियड में हम टी बराबर टी हाफ और एक्स बराबर ए बाई टू रखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, रखने के बाद हमने सॉल्व किया टी बराबर वन अपॉन टू के एक्स इंटू टू ए माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको हमने पूरी अच्छी तरह से सॉल्व किया है, आप देख लीजिए। और टी हाफ हमारा निकल के आया है वन अपॉन टू के इंटू ए अपॉन टू इंटू फोर ए माइनस ए अपॉन टू सबके अपॉन में ए स्क्वायर इंटू ए अपॉन टू का होल स्क्वायर। यहाँ काफ़ी चीज़ें आप देख रहे हैं कट चुकी हैं और लास्ट में हमारा आंसर जो आया है वो टू टी हाफ इज इक्वल टू थ्री अपॉन टू के ए स्क्वायर आया है। ये हमारा हाफ लाइफ पीरियड है। द एबव इक्वेशन शोज दैट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड चैनल। थैंक यू स्टूडेंट।